43.2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से स्कूटर चलाता हुआ एक व्यक्ति एकाएक ब्रेक लगाता है, जिससे उसमें 6.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। ये बच्चों उत्पन्न है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है हमारे टाइपिस्ट से, लेकिन चलता है, इतना इंसान है सभी। रुकने से पहले वह कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले हमें ये जो डेटा दे रखा है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें परिवर्तित करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको हम परिवर्तित कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो आपका जो वेग दे रखा है, जिसे हम यू कह ले रहे हैं, चलिए यू जो हमें दे रखा है वो है हमारा 43.2 गुणा 5/18, ये हो गया। तो अब देखें, ये हम इसे डिवाइड करते हैं, तो आपका ये तो हो गया 18 दुनी 36। अब 36 गया तो यहां पर आपका आ गया 7, तो 7.2 है, दशमलव लगा लिया। अब हम क्या देखें, 18 चौक 72, तो ये हो गया आपका 2.4, इसकी गुणा 5 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। तो हमारा प्रारंभिक वेग हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड का। अब ये कह रहा है कि ब्रेक लगाने पर अंतिम वेग शून्य हो जाता है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज करेंगे। यू स्क्वायर ए आपका ऋणात्मक इसलिए लिया जाएगा क्योंकि ये मंदन है, अंतिम वेग शून्य है, तो यू स्क्वायर बाई 2a आपकी चली गई दूरी हो जाएगी, और यू स्क्वायर जो कि आपका 12 का वर्ग है और ए जो कि आपका 6 है, तो चली गई दूरी 12 मीटर हो जाती है। तो आपका चली गई दूरी हो जाती है रुकने से पहले 12 मीटर, और यह बच्चों इसका सही उत्तर है।